Hello students, welcome to online classes of BSR Government Arts College Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography. Students, we are doing the second paper of BA Part 2, that is Human Geography, and the topic that we are taking today is Migration of Population, Jansankhya ka Sthanantran. Jansankhya ka Sthanantran topic humne pichle lecture mein shuru kiya tha aur humne usme do aspect kiye the, Deshpaksh evam Kalpaksh. Aur ab agle teen aspects hum is topic mein kar rahe hain. तो आज हम स्थानांतरण के पक्ष कंटिन्यू कर रहे हैं. स्थानांतरण के का पहला पक्ष है देश पक्ष, कि कौन से देशों के स्पेस एस्पेक्ट, कि कौन से देश के लोग उसमें स्थानांतरण कर रहे हैं, और दूसरा है काल पक्ष, कि वो किस समय में स्थानांतरण कर रहे हैं. अब उसका जो थर्ड एस्पेक्ट है दैट इज कॉज एस्पेक्ट, कारण पक्ष. कारण पक्ष में जनसंख्या स्थानांतरण के कारणों पर विचार किया जाता है. प्रत्येक मानव स्थानांतरण में दो प्रकार की क्रियाओं या शक्तियों का प्रभाव पड़ता है. पहली है एमिग्रेटिंग फोर्सेस या उत्प्रवासी शक्तियां, जिनके कारण किसी प्रदेश की जनता बाहर को स्थानांतरण करती है. दूसरा है अप्रवासकारी शक्तियां, इमिग्रेटिंग फोर्सेस, जिनके कारण किसी प्रदेश के अंदर को मानव वर्गों का अप्रवास होता है. ऊपर बताई गई दोनों प्रकार की स्थानांतरण शक्तियों को उत्पन्न करने वाले चार प्रकार के कारण होते हैं. पहला होता है भौतिक कारण, दूसरा होता है आर्थिक कारण, तीसरा होता है सामाजिक सांस्कृतिक कारण, और चौथा होता है राजनीतिक कारण. भौतिक कारण. भौतिक कारणों में सबसे अधिक व्यापक प्रभाव जलवायु का होता है, जहां जलवायु में बहुत ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, या जलवायु के परिवर्तनों से हिमयुगों में मानव प्रजातियों के स्थानांतरण बड़े पैमाने पर होते रहे थे. वर्तमान काल में भी शीत प्रधान टुंड्रा प्रदेशों से और हिमाच्छादित पर्वतीय भागों से जनता शीत ऋतु में गर्म प्रदेशों को प्रवास कर जाती है, तथा ग्रीष्म ऋतु में फिर ठंडे भागों में जा पहुंचती है. ये हमने हिमालय में ट्रांस ह्यूमंस का जो एग्जाम्पल लिया था पिछले लेक्चर में, ये उसी का ही एक प्रकार है. जलवायु के अतिरिक्त अन्य भौतिक कारणों में नदियों की बाढ़ें, नदियों के मार्गों के परिवर्तन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, भूकंप, ज्वालामुखी के उद्गार, हिमराशियों का घटना बढ़ना, मिट्टियों का अनुपजाऊ होना, समुद्र तटों का ऊपर उठना या नीचे धंसना आदि है. सेकेंड जो कारक है वो है आर्थिक कारण या इकोनॉमिक कॉजेस, यानी धन के अर्जन के लिए जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करती है. आर्थिक कारणों में सबसे मुख्य बात जीविका के साधन या मीन्स ऑफ लिवलीहुड की सुविधा है. जिन प्रदेशों में जीविका निर्वाह में कठिनाइयां आने लगती हैं, वहां से मनुष्य उन प्रदेशों को चले जाते हैं जहाँ आर्थिक साधनों की सुलभता होती है. मुख्य आर्थिक कारण निम्नलिखित है. पहला, अत्यधिक सघनता और निवास क्षेत्र में जीवन निर्वाह के साधनों की कमी, यानी जहां जनसंख्या ज्यादा हो जाती है वहां से कुछ जनसंख्या को पलायन करना पड़ता है, जिससे कि निर्वाह साधन थोड़े बढ़ जाए. बाहरी प्रदेश में कृषि के लिए नई भूमि की प्राप्ति. अधिक तीसरा है अधिक उपजाऊ भूमि के प्रदेश का आकर्षण. चौथा है सिंचाई की सुविधा. पांचवा, खनिज संपत्ति की उपलब्धि. छठा, वन संपत्ति की सुविधा. सातवां, यातायात की सुविधा. फिर है औद्योगिक केंद्रों द्वारा आकर्षण और व्यापार करने की सुविधा. पश्चिमी यूरोप, मध्य एशिया, पूर्वी चीन आदि प्रदेशों में जनसंख्या अत्यधिक सघन हो जाने के कारण वहां से दूसरे देशों को मानव उत्प्रवास होते रहे हैं. चीन के पूर्वी भाग से मलाया, इंडोनेशिया और वियतनाम में जाकर बहुत से लोग बस गए हैं. उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कृषि योग्य भूमि मिल सकने के कारण इन भूभागों को यूरोप, चीन, जापान आदि देशों से लोग उत्प्रवास करते रहे हैं. नदियों के बेसिनों जैसे सिंधु गंगा मैदान, यांगटीसी बेसिन तथा समुद्र तटीय मैदानों में उपजाऊ भूमि के कारण अन्य प्रदेशों से जनसंख्या आकर इनमें बसती रही है. तुर्किस्तान, चीन और भारत के मैदानों में मानव आप्रवास हुए थे. अलास्का के बर्फीले देश की कठोर जलवायु को सहन करते हुए भी वहां सोने की खानों के पास मानव बस्तियां बस गई हैं. ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कूलगाड़ी, ये ऐसे प्रदेश हैं जो उष्ण मरुस्थल हैं, लेकिन यहाँ सोने की खाने उपलब्ध होने के कारण मनुष्यों ने 560 किलोमीटर लंबी पाइपों द्वारा जल ले जाकर उस रेगिस्तान में बस्तियां बसाई है.
औद्योगिक केंद्रों में भी ने भी जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित किया है क्योंकि वहां व्यक्ति आर्थिक उन्नति कर समृद्ध समृद्ध होना चाहता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारण सोशल कल्चर कल्चरल कॉसेस सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से भी जनसंख्या का स्थानांतरण होता है। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ईसा से 5 शताब्दी पूर्व से लेकर ईसा की 5वीं शताब्दी तक भारत से हजारों मनुष्य अपना धार्मिक और सांस्कृतिक प्रचार करने के लिए बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलाया, थाईलैंड, सुमात्रा, जावा और बाली गए थे। अरब से बाहर उत्प्रवास करने वाले इस्लाम धर्मावलंबियों ने अपनी सभ्यता को पश्चिम में मिस्र और अफ्रीका के मरुस्थल तथा सूडान तक फैला दिया है। पूर्व में ईरान, अफगानिस्तान और चीनी तुर्किस्तान तक फैलाया है तथा उत्तर में टर्की, पैलेस्टाइन, सीरिया, इराक आदि देशों में फैलाया है। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों की ईसाई जनता के 2 धार्मिक दलों कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट में धार्मिक झगड़े इतने अधिक हो गए थे कि धार्मिक स्वतंत्रता चाहने वाले परिवार यूरोप के देशों से भागकर अमेरिका में जा बसे थे। इसके साथ हम इंडिया का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसको कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब इंडिया का डिवीजन हुआ तो सारे मुस्लिम्स इंडिया से पाकिस्तान जाकर बस गए थे और बहुत से हिंदू पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारत से लाखों मुसलमान पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से लाखों हिंदू भागकर भारत में आ गए। धार्मिक कारणों से होने वाला यह संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा स्थानांतरण है। अरब में मक्का मदीना में हज करने के लिए प्रत्येक वर्ष हजारों मुस्लिम व्यक्ति भारत, पाकिस्तान, जावा, ईरान, मिस्र आदि से अरब को जाते हैं। हज करने के बाद वापस अपने देश को लौट आते हैं। पर्यटकों, खिलाड़ियों, कलाकारों, संगीतज्ञों, नाट्यकारों, संसद सदस्यों, व्यापारियों आदि की भी हजारों की संख्या प्रतिवर्ष अमेरिका, पूर्ववर्ती सोवियत रूस, जर्मनी तथा अन्य देशों से भारत आती है और भारत से बाहरी देशों में जाती है। राजनीतिक कारण राजनीतिक कारणों से जनसंख्या का स्थानांतरण मुख्यतः निम्न 4 प्रक्रियाओं द्वारा होता है। आक्रमण आक्रमण के द्वारा स्थानांतरण के बड़े उदाहरण अलेक्जेंडर, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर, चंगेज खां और तैमूर के हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए थे। उनके साथ आए हुए बहुत से सैनिक भारत में ही बस गए थे। विजय कॉन्क्वेस्ट जब अंग्रेजों ने भारत के राजे नवाबों को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया तब यहाँ राजकाज चलाने के लिए ब्रिटेन से अंग्रेज लोग सरकारी ऑफिसर बनकर यहाँ आने लगे। धीरे धीरे बहुत से अंग्रेज परिवार यहाँ बस गए। अंग्रेजों के ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भी बहुत से मिशनरी और अंग्रेज पादरी भारत में आकर बस गए। उपनिवेश कॉलोनीज कॉलोनाइजेशन उपनिवेशन के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप में फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने अपनी नई बस्तियां बसाई थी। डच लोगों ने इंडोनेशिया में और स्पेन तथा पुर्तगाल के लोगों ने 16वीं शताब्दी में दक्षिणी अमेरिका में अपने उपनिवेश बसाए थे। बलात् या स्वतंत्र स्थानांतरण फोर्स्ड और फ्री माइग्रेशन बलात् स्थानांतरण के द्वारा 18वीं शताब्दी में अफ्रीका के बहुत से निग्रो लोगों को पकड़कर बलपूर्वक दास बनाकर संयुक्त राज्य आदि को नई बस्तियों में मजदूरी करने के लिए भेजा गया था। इसके ऊपर एलेक्स हेले नाम के एक ऑथर ने रूट्स पुस्तक लिखी है जिसमें कि उसके परिवार के लोगों को पकड़कर जब यूएसए ले जाया गया तो उस जर्नी के बारे में और उनके अपने अनुभव के बारे में उन्होंने इस किताब में लिखा है। जिन स्टूडेंट्स को लिटरेचर में इंटरेस्ट है उनको एलेक्स हेले की रूट्स बुक जरूर पढ़नी चाहिए। द्वितीय महायुद्ध में नाजी जर्मनी की आक्रमणकारी सेनाओं के आगे फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड आदि की बहुत सी जनता शरणार्थी बनकर बाहरी देशों को चली गई थी। जीते हुए देशों से लाखों मनुष्यों को नाजी जर्मनी ने अपनी युद्ध सामग्री बनाने के कारखानों में दास श्रमिकों का कार्य करने के लिए बलपूर्वक स्थानांतरण कर दिया था। इसके विपरीत स्वतंत्र स्थानांतरण या फ्री माइग्रेशन में मनुष्यों को प्रवास करने में अपनी छांट रहती है, अपनी मर्जी रहती है। स्वतंत्र स्थानांतरण आर्थिक लाभ और संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का प्रवास पश्चिमी यूरोपीय देशों से तथा जापान और चीन से होता रहता है। वर्तमान काल में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि ने अपनी श्वेत नीति के द्वारा स्वतंत्र स्थानांतरण को नियंत्रित कर दिया है। वे सिर्फ श्वेत लोगों को ही अपने देशों की सिटीजनशिप देना चाहते हैं और अपने देश में बसने देना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।